अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम कंप्यूटर हार्डवेयर में लेसन नंबर 3 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के इस लेसन में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर के लिहाज से टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जिनमें एनालॉग कंप्यूटर आ जाते हैं, डिजिटल कंप्यूटर आ जाते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर आ जाते हैं। इसके अलावा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर विद रिस्पेक्ट टू पर्पस, मकसद के लिहाज से कंप्यूटर की कौन कौन सी टाइप है, उनमें जनरल पर्पस कंप्यूटर है एंड स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है। ओके, तो अपने लेसन की तरफ चलते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ओके, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर के लिहाज से जो टाइप कंप्यूटर की जो टाइप्स हैं, बेसिकली 3 टाइप्स हैं, जिनमें डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर कौन से होते हैं? तो स्टूडेंट्स, एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो हर लम्हा अपनी वैल्यू को चेंज करते हैं, जिनकी वैल्यू हर लम्हा चेंज होती रहती है, उनको आप एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। मीन एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनकी वैल्यू जीरो से लेकर पीक पोजिशन पे जाती है, फिर दोबारा नॉर्मल जीरो पे आती है, फिर माइनस में जाती है, फिर जीरो पे आती है। तो इन ऐसे कंप्यूटर को आप एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। ये हर लम्हा अपनी वैल्यू को चेंज करते रहते हैं, इन कंप्यूटर को आप एनालॉग कहते हैं। ये एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं, ये ज्यादातर मेजरमेंट के लिए यूज होते हैं। इन कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो तेज होती है, लेकिन एक्यूरेट नहीं होती। इनके ये जो एनालॉग कंप्यूटर, इनमें इनकी जो स्पीड होती है ये थोड़ी तेज होती है, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं होते। मीन इनमें कुछ ना कुछ गलती के चांसेस आते हैं, ये अपने रिजल्ट 100% नहीं देते। एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं, ये टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज होते हैं, प्रेशर मेजर करने के लिए यूज होते हैं। प्रेशर मीन वोल्टेज, वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज होते हैं, या किसी भी चीज के प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज होते हैं, करंट को, वोल्टेज को एंड डेप्थ, गहराई को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, ये आपको नजर आ रहे होंगे, ये कंप्यूटर जो होते हैं ये एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। उसके बाद डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो सिर्फ दो वैल्यू के ऊपर काम करते हैं, या ऑन या ऑफ, एज अ स्विचिंग काम करते हैं। ये कंप्यूटर जो होते हैं डिजिटल कंप्यूटर, ये बाइनरी नंबर पे काम करते हैं, डिस्क्रीट वैल्यू के ऊपर काम करते हैं। इनकी दो पोजिशन होती है, या होती है ऑन या ऑफ, या जीरो या वन। डिजिटल कंप्यूटर जो प्रोसेस करते हैं, ये जो डेटा पे प्रोसेस करते हैं, ये डिजिट की फॉर्म में होता है, जीरो और वन की फॉर्म में होता है, जिन्हें आप बाइनरी नंबर भी कहते हैं। डिजिटल कंप्यूटर सिर्फ जीरो और वन की लैंग्वेज समझते हैं, बाइनरी लैंग्वेज समझते हैं और बाइनरी लैंग्वेज में काम करते हैं। कि जितने कंप्यूटर जो हैं, ज्यादातर जो कंप्यूटर यूज हो रहे हैं वो डिजिटल कंप्यूटर यूज हो रहे हैं। डिजिटल कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है और इनका रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट होता है। डिजिटल कंप्यूटर के जो भी रिजल्ट होते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं, उनमें कैलकुलेटर आ जाता है, डिजिटल वॉच वगैरह आ जाती है। ये डिजिटल है आपका कंप्यूटर है और ये वॉच आपको नजर आ रही है, डिजिटल वॉच है, तो इसमें गलती के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते। तो ये डिजिटल कंप्यूटर है आपके, नॉर्मल जो आपके जो कंप्यूटर यूज हो रहे हैं पीसी, ये डिजिटल कंप्यूटर है। नेक्स्ट है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनमें दोनों की सहूलत मौजूद होती है, मीन दोनों के कॉम्बिनेशन को मिला के आप हाइब्रिड कंप्यूटर बनाते हो। हाइब्रिड कंप्यूटर में डिजिटल की खसूसियत भी होती है और एनालॉग की खसूसियत भी होती है, तो आप इनको हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हो। हाइब्रिड जो कंप्यूटर होते हैं, इनकी स्पीड जो होती है वो एनालॉग कंप्यूटर की होती है और एक्यूरेसी जो होती है वो डिजिटल कंप्यूटर की होती है। मीन एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं, इनकी स्पीड बहुत तेज होती है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर को ऐसे डिजाइन किया गया है कि इनकी जो स्पीड होती है वो एनालॉग कंप्यूटर से होती है और इनकी जो एक्यूरेसी होती है वो डिजिटल कंप्यूटर के मुताबिक होती है। तो इसमें हाइब्रिड कंप्यूटर में दोनों की खसूसियत होती है, एनालॉग की और डिजिटल दोनों कंप्यूटर्स की।
ये हाइब्रिड जो कंप्यूटर होते हैं ये कुछ स्पेशल एप्लीकेशंस के लिए यूज किए जाते हैं, जिनमें फ्लाइट रडार सिस्टम हो गया, नेशनल डिफेंस हो गया, हाइब्रिड वॉच वगैरह होगी, इसके अलावा डिजिटल पेट्रोल पंप वगैरह हो गए, इनमें ये कंप्यूटर यूज किए जाते हैं। तो ये आपके हाइब्रिड कंप्यूटर आपको नजर आ रहे होंगे। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर विद रिस्पेक्ट टू पर्पस, मकसद के लिहाज से जो कंप्यूटर है, मकसद के लिहाज से जो कंप्यूटर, इनकी दो टाइप्स हैं बेसिकली। एक होता है जनरल पर्पस कंप्यूटर और सेकेंड वन होता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस जो कंप्यूटर होते हैं, ये कंप्यूटर ज्यादातर बिजनेस, एजुकेशन और साइंस से रिलेटेड जो कंप्यूटर होते हैं, तो जनरल पर्पस कंप्यूटर कहा जाता है। जनरल पर्पस जो कंप्यूटर होते हैं, इनमें जो डेटा होता है ये बहुत ज्यादा स्टोर होने की कैपेसिटी होती है, डेटा आप इसमें ज्यादा स्टोर कर सकते हो। और ये जो कंप्यूटर होते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर, ये मल्टीपर्पस कंप्यूटर इनको कहा जाता है, ये काफी सारे मकसद के लिए आप यूज कर सकते हो, जैसे कि पीसी आ गया, पर्सनल कंप्यूटर। अब पीसी का जो है, इस पे आप गेम भी खेल सकते हो, गेम के लिए भी आप यूज कर सकते हो, इंटरनेट भी यूज कर सकते हो, इसमें और एप्लीकेशंस के ऊपर भी काम कर सकते हो। तो ये जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं जो कि आप नॉर्मल बिजनेस एजुकेशन से रिलेटेड इस पे काम करते हो। मीन आपने एजुकेशन से रिलेटेड अगर काम करना है तो आप इसमें जो है तो एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस वगैरह में ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर आप काम कर सकते हो। ये जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है, इन पे गेम खेलने, गेम खेल सकते हैं। तो मीन ये मल्टीपर्पस कंप्यूटर होते हैं, या फिर आप इसको जो होते हैं मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा जाता है, क्योंकि इसमें आप काफी सारी चीजें काम कर रहे होते हैं। आप एक साइड पे आप गेम खेल रहे हैं और उसके अलावा आप इस पे साथ साथ डाउनलोडिंग कर रहे हैं, साथ साथ सॉन्ग सुन रहे हैं, तो मल्टीपर्पस कंप्यूटर आ जाते हैं आपस। पीसी जो पर्सनल कंप्यूटर है, जबकि स्पेशल पर्पस जो कंप्यूटर होते हैं, ये कंप्यूटर जो होते हैं ये कुछ स्पेशल मकसद के लिए यूज किए जाते हैं। और दिस कंप्यूटर यूज टू सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ सम स्पेशल टाइप्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये जो कंप्यूटर होते हैं ये सिंगल और स्पेशल टास्क पे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो कंप्यूटर होते हैं ये एटॉमिक एनर्जी कमीशन में जो कंप्यूटर यूज हो रहे हैं उनको आप स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। जैसे कि इसके अलावा जो कंप्यूटर आई साइट मालूम करने के लिए यूज किए जाते हैं, इनको भी आप स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं, जो किसी न किसी स्पेशल मकसद के लिए यूज होते हैं, इनको स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज आपका टाइप्स ऑफ कंप्यूटर विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल स्ट्रक्चर एंड विद रिस्पेक्ट टू पर्पस। तो उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ आया होगा। अपन चला नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।